देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हमें वापस दिया जाए, हमारे जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे विवादित मुद्दे जम्मू कश्मीर में खड़े किए जा रहे हैं। उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो हमारे 1,30,00,000 जनता जम्मू कश्मीर के और नौजवानों के विरोध में है, और इसके ऊपर तमाम राजनीतिक दल जो है वो राजनीति कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आप इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वापिस ले, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियां देता है, हमारा राज्य का दर्जा हमें वापिस दे। हमारे जम्मू कश्मीर में SRO 202 आपने घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी ने झूठी घोषणा की कि SRO 202 को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। और SRO 202 के तहत जो 40,000 मुलाजिम है वो तमाम रोष में है, आक्रोश में है, और आप स्वयं देखिए कि उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। SRO 24 के मुलाजिमों को आपने नौकरियों से निकाल दिया, डेली वेजर्स 80,000 को आपने पक्का नहीं किया, रोजगार को लेकर के आपकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी हमें राज्य का दर्जा हमें वापिस दिया जाए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रोका जाए, क्योंकि ये जो फैसले होते हैं ये चुनी हुई सरकारें ये फैसले करती हैं, और अभी तो हमारे जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। इसलिए मैं तमाम राजनीतिक दलों से ये अपील करता हूं कि वह डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के अपना अपना रुख स्पष्ट करें, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, अपनी पार्टी को भी ये कहूंगा और भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा कि डोमिसाइल को लेकर के आपका क्या रुख है उसको स्पष्ट करें। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां देता है उसको लेकर के आपको क्या कहना है। हमें एतराज डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इसीलिए है कि ये बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां देता है, और साथ में आपने SRO 202 के तहत इतना भद्दा मजाक हमारे SRO 202 के 40,000 से भी ज्यादा मुलाजिमों का किया। आपने तो ये हाल किया कि एक SRO 202 की गाड़ी उन मुलाजिमों से चुराई और नई नंबर प्लेट लगा करके वापिस उन्हीं को दे दी, जिसके अंदर वही कानून और ज्यादा कड़े कानून आपने लागू किए। इसलिए हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर को दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ताकि जो विवादित मुद्दे हैं, टोल प्लाजा, टैक्सीज के मसले हैं, हमारी बिजली को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, डेली वेजर्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और इसी बात को लेकर के जो राजनीति डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के की जा रही है उसके ऊपर तमाम राजनीति। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट को, हमारी पुश्तानी पहचान को खत्म कर रहा है, हमारे डोगरों की पहचान को, महाराजाओं की पहचान को, गोजर, बकरवाल, भद्रवाही, किश्तवाड़ी, पुंछ, राजौरी, चिनाब वैली, पीर पंचाल, कश्मीर वैली के लोगों की, कश्मीरी पंडितों की, क्योंकि हमारे बड़े अफसोस की बात है कि कल ये कहा जा रहा था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे PMO मंत्री साहब ने जारी करवा लिया, जितेंद्र सिंह जी ने। हमें डोमिसाइल से एतराज इसलिए है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां देता है, स्टेट सब्जेक्ट को कमजोर करता है। और जितेंद्र सिंह जी, आपने डोगरों की, अपने महाराजाओं की और हमारी विरासत की डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहते थे कि आप डोगरों के नुमाइंदे हैं, आप जम्मू क्षेत्र डोगरा क्षेत्र के संसद है, आपने डोगरों की और तमाम जम्मू क्षेत्र के लोगों की पगड़ी को उछाल दिया, ये बड़ी गलत बात की। और हम ये चाहेंगे कि तमाम राजनीतिक दल डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, PDP, अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके ऊपर अपना रुख स्पष्ट करें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत।
100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टेबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए